देखोगे ना तो कहोगे भोंसरी का कैसे ब्लॉगर बनेगा तू, कैसे बनेगा? क्योंकि आप तो व्यूवर हो यार, आप ही जज करोगे यार क्या बनाया नहीं बनाया, खिचड़ी बनाया दाल बना। सो ये है बिहार के एक छोटे से शहर में बसा हमारा गांव, जहां की हवाएं हमेशा कहती है कि सच्चा भारत तो गांव में बसा है। छोटा है लेकिन चारों तरफ प्राकृतिक हरियालियों से भरा पड़ा है। एंड दिस इज मी, आपका भाई सूरज कर्मकार फ्रॉम बिहार। और ये है वो जगह जहाँ पे मैं ऑलमोस्ट अपने हर वीडियो के एंडिंग और स्टार्टिंग को शूट करता हूँ। ये जगह मेरे लिए काफ़ी ख़ास है और दिल के करीब भी। मैं यहाँ पे अक्सर अपने वीडियोस को स्टार्ट करता हूँ कुछ इस तरह से, जैसा कि आप अभी देखने वाले हैं। सो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, बताओ कि हाल चाल, वेलकम बैक टू दी चैनल एवरीवन। मेरा बचपन खेत खलियानों, पेड़ पौधों के छाँव में खेलता कूदता हुआ बीता है। खैर छोड़ो उन बचपन की बातों को, इनके बारे में कभी अलग से बात करूँगा। साथ ही साथ मुझे वीडियोस बनाना, अपने आप को कैमरे में कैद करना, अपने बारे में लोगों से शेयर करना काफ़ी अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों एक अलग सी वाइब्स आती है, फीलिंग आती है। इसी जगह काफ़ी अच्छी लगती है जहाँ ज़्यादा क्राउड ना हो। साथ ही साथ मुझे नदी के किनारे बैठना काफ़ी अच्छा लगता है, वहाँ पे एक खुलेपन की एहसास होती है। और जब भी मैं कभी बोर हो जाता हूँ तो ऐसे जगह पे जाना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो आज भी मैं घर पे बैठ बैठ कर काफ़ी बोर हो चुका हूँ, तो मैं चला कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे न ज़्यादा क्राउड हो और मैं वहाँ आराम से थोड़े से टाइम स्पेंड कर सकूँ। दिस इज द प्लेस एक्चुअली, और ये काफ़ी मतलब कूल प्लेस है, मतलब नदी के किनारे यार आप जब भी आओगे ना तो मतलब काफ़ी मतलब कूल लगेगा, मतलब ज़्यादा क्राउड नहीं है। और मैं एक्चुअली ऐसे ही प्लेसेस के बारे में बात करता था, तो ये मेरे घर के नज़दीक ही हैं, ऐसे कुछ 2.5 किलोमीटर होगा ओनली। सो मैं यहाँ पे आया हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे बैठूंगा और चिल करूंगा। वैसे मैं यहाँ पे कैसे आया, एक सिनेमेटिक लुक में इसे आप जरूर देख लो। It's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. किसी ने सच ही कहा है कि मतलब जब भी आप बोर हो रहे हो ना घर पे, कभी भी, तो यार अकेले में टाइम स्पेंड किया करो। वैसे मैं अकेले नहीं आया हूँ, क्यों नहीं आया हूँ मैं वो बाद में बताऊंगा आपको। और मैं ऐसे जगह पे रेगुलरली आते रहता हूँ। एक्चुअली मैं इस जगह पे ना फर्स्ट बार आ रहा हूँ, मतलब इससे पहले मैं इस जगह पे नहीं आया था। मेरे घर के जो काफ़ी पास में ही है, लेकिन फिर भी मैं नहीं आया था। और इस तरह का जो मतलब और भी 2-3 प्लेसेस है जहाँ पे मैं विजिट कर चुका हूँ और वहाँ का मैं थोड़ा बहुत वीडियो भी बना चुका हूँ। सो मैंने सोचा कि चलो यार आज यहाँ पे आता हूँ। ठंड का मौसम में ना यार वीडियो जल्दी आ नहीं पा रहा है, और आज मुझे लगता है कि 10-12 दिन बाद ये वीडियो मेरा पब्लिश होगा, तो देखता हूँ क्या होता है। मेरे साथ एक लौंडा और आया हुआ है, लौंडियाबाज, इधर देख ले थोड़ा। सो ये है वो बंदा, और इसको आप कई बार वीडियो में देख चुके हो। वैसे ये मेरे साथ जो कई बार इससे पहले मेरे वीडियो में आ चुका है, और काफ़ी अच्छा फ्रेंड भी है, और क्या है वो मैं अभी नहीं बता रहा। सो एक्चुअली अभी मैं यहाँ पे कुछ सिनेमेटिक उनेमेटिक सेट शूट करने वाला हूँ। सीट शूट क्या यार, मतलब काफ़ी ज़्यादा बम्बल होता है, इतना ज़्यादा जो मैं क्या बताऊँ कि इतना बार मैं रीशॉट लेता हूँ, रीटेक लेता हूँ, जो मैं क्या बताऊँ। आप देखोगे ना तो कहोगे भोंसरी का कैसे ब्लॉगर बनेगा तू, कैसे बनेगा? सच में यार, मतलब इतना ज़्यादा बम्बल होता है ना, मतलब बार बार रीटेक लेना पड़ता है। सो जाने दो। और वैसे सिनेमेटिक के साथ उनेमेटिक क्या होता है ये मुझे समझ में नहीं आया। वैसे अभी मैं शूट करने वाला हूँ कुछ खास सिनेमेटिक, मेरे लिए खास होने वाला है, क्योंकि आप तो व्यूअर हो यार, आप ही जज करोगे यार क्या बनाया नहीं बनाया, खिचड़ी बनाया दाल बना, बाकी अब देखा जाएगा। चलो देखो फिर, सिनेमेटिक इन्जॉय करो आप। I
say I. तो ये था मेरा एक्चुअली इंट्रोड्यूस वाला वीडियो। तो मैंने अपने इसमें बारे में बताया है कुछ परसेंट, मुश्किल से 5%, ऑलमोस्ट 5% बताया है। सो मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और मैंने इसमें वॉइस ओवर किया है एक्चुअली, तो पता नहीं यार वॉइस कैसा आया नहीं आया। आप लोग ना यार पिछले वाले वीडियो की तरह डिसलाइक मत करना इस बार यार, थोड़ा सा मोहब्बत बरसाने का यार, प्यार बरसाने का यार, नहीं तो आपका भाई कैसे बनेगा ब्लॉगर, कैसे बनेगा। सो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, इस बार नहीं बोलूँगा कि डिसलाइक, क्योंकि पिछले बार ना यार काफ़ी ज़्यादा डिसलाइक कर दिया था आप लोगों ने। सो यार इस बार तो नहीं बोलूँगा, कतई ही नहीं बोलूँगा भाई। अब देखो अभी फ़ोन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है, अभी मैसेज आ जाएगा, कभी कॉल आ जाएगा। तो अभी जो आपने वाइब्रेशन सुना ना यार, ये है इसका मैसेज का एक्चुअली बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसका। सो जाने दो, वैसे आपसे मिलता हूँ किसी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जरा गौर फरमाइए मेरे इन जूतों पर, क्या हालत हो रखा है यार। ये एक्चुअली इसका हालत ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जब मैं बाइक यहाँ पे पार्क कर रहा था, आपने सिनेमैटिक में देखा होगा, तो भाई साहब मैं दो बार जो है गिरते गिरते बचा। सो कुछ ऐसा हाल हो रखा है।